हे गाइस, मैं हूं सुमित तिवारी और ये इस ट्यूटोरियल का 10th पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम हमारे कैरेक्टर पैटर्न्स को कंटिन्यू करेंगे और एक नया कैरेक्टर पैटर्न देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस पैटर्न के लिए कोट करने वाले हैं। तो चलिए, जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पैटर्न से, वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स। तो नंबर ऑफ आउटर लूप रन्स के लिए हम इस पैटर्न की रोज काउंट करेंगे। कितनी रोज हैं इस पैटर्न में? 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ रोज है 5, मतलब हमारा आउटर लूप कितनी बार चलेगा? 5 टाइम्स चलेगा। सेकेंड, नंबर ऑफ इनर लूप रन्स। इनर लूप रन्स के लिए हमें क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ कॉलम्स पर रो बेसिस। तो यहाँ पे देखिए, हर एक रो के लिए कितनी बार कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं? 5 टाइम्स। ओके, तो जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितना है? 5। तो इनर लूप कितनी बार चलेगा? 5 टाइम्स चलेगा। थर्ड इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए कि हमें प्रिंट क्या करना है, व्हाट टू प्रिंट। तो अगर आप यहाँ देखें तो सबसे पहले प्रिंटिंग कैसे हो रही है? EDCBA, देन नेक्स्ट रो में अगेन EDBCBA, देन अगेन EDCBA एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो कैसे चेंज हो रही हैं? कॉलम वाइज चेंज हो रही हैं। ओके, तो इस टाइप की वैल्यूज हमें इन जनरल किस लूप वेरिएबल की हेल्प से मिलती हैं? इनर लूप वेरिएबल की हेल्प से। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो वैल्यूज हैं इस टाइप की, जो कॉलम वाइज वैल्यूज चेंज होती हैं, ये हमें इनर लूप वेरिएबल की हेल्प से मिलती हैं। और अगर मान लीजिए पूरी एक रो में आपको कॉन्स्टेंट वैल्यूज मिल रही हैं, तो वो आउटर लूप वेरिएबल की हेल्प से मिलती हैं। ओके, तो जैसे यहाँ ई डी सी बी ए मिल रहा है, तो ये हमें किसकी हेल्प से मिलेगा? इनर लूप वेरिएबल की हेल्प से। सपोज करिए हमारा इनर लूप वेरिएबल हम जे लेते हैं, आउटर लूप वेरिएबल आई लेते हैं, तो हम प्रिंट क्या करेंगे? जे। ओके, तो चलिए इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले आउटर लूप 5 टाइम्स रन करेगा। कैरेक्टर पैटर्न है तो मैं जो डेटा टाइप्स हैं वो भी मैं कैरेक्टर में ले लूंगा। तो सबसे पहले जो मेरा आउटर लूप कोड होगा वो कैसे होगा? आई इज इक्वल ए, आई विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू ई, आई प्लस प्लस। ये जो आई है और जो जे होगा ये कैरेक्टर टाइप के होंगे। ओके, देन सेकेंड मुझे इनर लूप कोड करना है। इनर लूप भी कितनी बार चल रहा है? 5 टाइम्स चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग कैसे हो रही है। ई से स्टार्ट होके डिक्रीजिंग ऑर्डर में ए तक आ रही है, मतलब जो मेरा इनर लूप है वो ई से ए तक चलेगा। ओके, ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। ओके, बिकॉज हम इनर लूप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं और जो भी हमारा यहाँ पैटर्न होगा वो इनर लूप वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, इसलिए इनर लूप का इनिशियलाइजेशन और कंडीशन इस पैटर्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ई से लेके ए तक ये दिया है, तो मैं इसे ई से इनिशियलाइज करके ए तक चलाऊंगा। अगर सपोज करिए ये पैटर्न मुझे एफ से लेके बी तक दिया होता, तो मैं एफ से इनिशियलाइज करके उसे बी तक रन करता। तो यहाँ पे ये ई से ए है, इसलिए जो मेरा इनर लूप है वो कैसे चलेगा? ई से स्टार्ट होके ए तक चलेगा। J is equal E, J is smaller than, greater than equal to A and J minus minus, okay? Then third, हम प्रिंट क्या करने वाले हैं? J, तो यहाँ प्रिंट F, J की करंट वैल्यू हम प्रिंट करेंगे और इनर और आउटर लूप के बीच में हमारी एक न्यू लाइन स्टेटमेंट आएगी। ओके, तो ये पैटर्न है इस पर्टिकुलर, ये कोड है इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है? सिर्फ ये कि जो इनर लूप का इनिशियलाइजेशन और कंडीशन है ये अकॉर्डिंग टू द पैटर्न होना चाहिए। आउटर लूप का यहाँ इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए काम है 5 बार चलना। अब वो ए से ई तक चले या ई से ए तक चले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वो 5 बार चलना चाहिए क्योंकि ये जो पैटर्न है वो इनर लूप और इनर लूप वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे मैं इसे, ताकि मेरा कोड सिंपल और एक सा रहे, इसलिए मैं आउटर लूप को भी आई इज इक्वल ई, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और आई माइनस माइनस से ही रन करता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा सिमिलर बना रहे, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए इस कोड को मेमोराइज करना। तो ये इस तरीके से काम करेगा। आप बिल्कुल चाहें तो जैसे जो पहले वाली कंडीशन थी, आप बिल्कुल यहाँ पे ए से ई तक इसको रन कर सकते हैं। आप अगर इस कोड को रन करेंगे तब भी आपको यही आउटपुट मिलेगा, और अगर आप इसको रिवर्स कर देते हैं, आई इज इक्वल ई एंड आई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई माइनस माइनस, तो भी ये सेम ही रन करेगा, बिकॉज ये जो पैटर्न है ये इनर लूप एंड इनर लूप वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। तो ये कोड है इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए। जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमें ये वाला पैटर्न आउटपुट में मिलेगा। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ओके,
तो हमारा जब कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम कहाँ आएंगे, इस आउटर लूप की कंडीशन पे आएंगे। आउटर लूप ई से इनिशलाइज होगा और कंडीशन हम क्या टेस्ट करेंगे, आई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो जो करंट कंडीशन हमें टेस्ट करनी है वो क्या है, ई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ये कंडीशन ट्रू है इसलिए अब हम इस लूप के अंदर एंटर करेंगे और यहाँ हमें क्या मिलेगा, एक और लूप। ये लूप ई से इनिशलाइज हो रहा है, जे इज इक्वल ई, और कंडीशन क्या टेस्ट करना है हमें, जे विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो अभी जो करंट कंडीशन है वो क्या है, ई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो अब हम इसके अंदर आएंगे और ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट क्या करना है, जे जे की करंट वैल्यू है ई, तो यहाँ आउटपुट में हमें क्या मिला, ई। ओके, देन ये लूप कंटिन्यू होगा और जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, डी। कंडीशन अभी भी ट्रू है, डी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, कंडीशन ट्रू है। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट पे आएंगे और जे की करंट वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी जो कि है डी। अगेन जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो गई सी, प्रिंट करेंगे जे की करंट वैल्यू सी। फिर से लूप चलेगा, जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी बी, फिर प्रिंट स्टेटमेंट पे आएंगे और जे की करंट वैल्यू प्रिंट करेंगे दैट इज बी। अगेन जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी ए और हम जे की करंट वैल्यू प्रिंट करेंगे दैट इज ए। इसके बाद जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू अब सेट होगी ये एट सिंबल। ओके, ऐसा क्यों, ये मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। बेसिकली जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं इनका एक आस्की कोड होता है, जैसे कैपिटल ए का आस्की कोड है 65। अगर आप 65 में माइनस माइनस करेंगे, मतलब आप एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 64। तो ये जो एट का सिंबल है ये आस्की कोड 64 की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे आपको एक एट का सिंबल मिल रहा है। तो बेसिकली ये ए से छोटा है, तो ये कंडीशन अब हमारी फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ओके, देन यहाँ से अब हमारा आउटर लूप कंटिन्यू होगा, ये न्यू लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमारा आउटर लूप कंटिन्यू होगा और आई माइनस माइनस एग्जीक्यूट होगा। आई माइनस माइनस से अब आई की वैल्यू हो जाएगी डी। अब ये कंडीशन आप टेस्ट करेंगे, डी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो हम फिर से इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे हमें फिर से हमारा इनर लूप मिलेगा जो ई से इनिशलाइज होके कहाँ तक रन करना है, ए तक। तो करेंट कंडीशन क्या है, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, कंडीशन ट्रू है। तो हम ये प्रिंट स्टेटमेंट चलाएंगे और हमें क्या प्रिंट होके मिलेगा, जे की करंट वैल्यू जो कि है ई। अगेन ये लूप कंटिन्यू होगा, जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी डी, कंडीशन ट्रू है। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, डी इस प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। देन अगेन जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी सी, आउटपुट में आपको मिलेगा सी। देन अगेन जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो गई बी, आउटपुट में आपको मिलेगा बी। वन मोर टाइम, जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी ए और आउटपुट में आपको मिलेगा ए, क्योंकि हम जे की करंट वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। इसके बाद जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी एट कैरेक्टर और ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो आप इस लूप से बाहर आएंगे, एक न्यू लाइन स्टेटमेंट जनरेट होगी और आउटर लूप कंटिन्यू होगा। आई माइनस माइनस से अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी। अभी भी ये कंडीशन आप देखें तो ये ट्रू है, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, कंडीशन ट्रू है। तो हम फिर से इस लूप के अंदर आएंगे और हमारा ये इनर लूप फिर से इनिशियलाइज होगा। जे इज इक्वल ई, जे विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, जे माइनस माइनस, करंट कंडीशन ई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, कंडीशन ट्रू है। तो प्रिंट स्टेटमेंट पे जाएंगे और हमें प्रिंट क्या करना है, जे की करंट वैल्यू। तो जे की करंट वैल्यू है ई, तो यहाँ ई प्रिंट होगा। इसके बाद हमारा लूप कंटिन्यू होगा, जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी डी। अब फिर से प्रिंट करेंगे तो जे की करंट वैल्यू प्रिंट होगी दैट इज डी। इसके बाद ये ऐसे ही कंटिन्यू करेगा, जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो गई सी, प्रिंट होगा सी। जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी बी, तो प्रिंट होगा बी। देन अगेन जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी ए, तो प्रिंट होगा ए। इसके बाद जे माइनस माइनस से जे की जो वैल्यू है वो एट सिंबल हो जाएगी, मतलब आस्की कोड 64। तो ये ए से छोटा है इसलिए लूप ब्रेक होगा, एक न्यू लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहाँ से हमारा आउटर लूप अब कंटिन्यू होगा। आउटर लूप कंटिन्यू होगा, आई माइनस माइनस से हमारे आई की अब करंट वैल्यू कितनी हो गई है, बी। अभी भी आप देख रहे हैं तो कंडीशन ट्रू है। तो हम फिर से इनर लूप में आएंगे और फिर से ये लूप 5 times एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले ये जे की करंट वैल्यू प्रिंट करेगा दैट इज ई, तो ई प्रिंट होगा। फिर ये चलेगा तो डी प्रिंट करेगा, देन इसके बाद ये सी प्रिंट करेगा, देन बी प्रिंट करेगा, देन ए प्रिंट करेगा। इसके बाद ये लूप बंद होगा, हम फिर से न्यू लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ से हमारा आउटर लूप कंटिन्यू होगा और आई माइनस माइनस से आई की करंट वैल्यू अब हो जाएगी ए।
अभी भी ये कंडीशन ट्रू है तो हम फिर से इनर लूप में आएंगे, इनर लूप हमारा अगेन ई से इनिशियलाइज होगा, कंडीशन जो हम टेस्ट करेंगे ई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी और जे की करंट वैल्यू हम प्रिंट करेंगे दैट इज ई। अगेन जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू होगी डी, प्रिंट होगा डी, जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी सी तो प्रिंट होगा सी, जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू होगी बी तो प्रिंट होगा बी, जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू होगी ए तो प्रिंट होगा ए। अगेन जे माइनस माइनस से जे की वैल्यू हो जाएगी ये एट सिंबल, तो ये कंडीशन फॉल्स है तो इनर लूप ब्रेक होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यहाँ से हमारा आउटर लूप कंटिन्यू होगा। आई माइनस माइनस से अब आई की वैल्यू भी हो जाएगी ये एट सिंबल, ASCII कोड 64, ये ए से छोटा होता है बिकॉज जो ए है उसका ASCII कोड 65 होता है, तो ये यहाँ पे जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई और हमारा लूप जो है आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और हमारा कोड बंद हो जाएगा। तो जब ये कोड चलेगा तो हमें आउटपुट में क्या मिला, ये हमारा पैटर्न जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट था। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पैटर्न को हम कैसे रन कर रहे हैं, यहाँ पे किस चीज़ का क्या काम है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके, देन हम उस पर भी एक डिस्कशन करेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही अगर आपको ASCII कोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैंने इस वीडियो में भी डिस्कस किया या पहले के वीडियोज़ में भी हमने डिस्कस की हैं, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, देन हम ASCII कोड्स पे भी एक वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।